हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी अरीना। आज है संडे, यानी कि आज हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट वीक दिसंबर, जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उनका क्विक रिवीजन। और ये थोड़ी स्पीड में वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस हफ्ते में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको आज हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कुछ लेट किए हुए। सबसे पहले देखिए, नीति आयोग ने अभी हाल ही में ग्लोबल हैकाथॉन जो है वो लॉन्च किया है। अब देखो, यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएससी में तो कई बार पूछा जाता है कि ये वाला जो ग्लोबल हैकाथॉन है ये किसकी सहायता से लॉन्च किया गया। तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, और किस पर है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो सीधे सीधे पॉइंट ये हो गया कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है ग्लोबल हैकाथॉन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अब देखो, नीति आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं वो राजीव कुमार हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कंत हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग जान सकते हैं। और नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इस समय होंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रंप ने अभी अभी हाल ही में कल नाम दिया है, चूँकि निकी हैली का जो टाइम था वो अभी ख़त्म होने वाला था, जो कि US एम्बेसडर थी टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो अब नया नाम है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नाम क्या है, ध्यान से देखेंगे, हीथर नॉरेट, ठीक है। हीथर नॉरेट, इनको बनाया गया है अब US की तरफ से अम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। नाम बार बार दो तीन बार बोलो याद हो जाएगा, हीथर नॉरेट को बनाया गया है US की तरफ से अम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी या UN डे कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, तो यानी कि 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, हीथर नॉरेट किसके बाद, निकी हैली के बाद में, 2018 में इनके लास्ट में कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब देखो, बुक लॉन्च की गई है, जो भी प्रेसिडेंट की स्पीच होती है उस पर बुक लॉन्च की जा रही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर बुक्स का नाम क्या है, एक बुक का नाम होगा द रिपब्लिकन एथिक, ठीक है, रिपब्लिक एथिक, ये स्पेलिंग गलत है, ETHIC, ठीक है, रिपब्लिक एथिक, और नेक्स्ट होगा लोकतंत्र के स्वर। तो ये दो बुक्स लॉन्च की जा रही हैं जो प्रेसिडेंट की स्पीच पर बेस्ड होंगी, तो दोनों ही बुक पूछी जा सकती हैं किस संबंध में ये बुक्स हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट की स्पीच पर जो है ये बेस्ड हैं दोनों बुक्स, नाम ध्यान से देखेंगे, द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मिस वर्ल्ड और ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, नाम देखना है ध्यान से। अगर पूरा नाम नहीं याद कर सकते हैं तो नाम के कुछ हिस्से याद करेंगे ताकि ऑप्शंस के थ्रू भी एग्जाम में हम कर सकें, ठीक है ना। नाम देखो, वेनिसा पॉन्स दी लियोन, ठीक है, वेनिसा पॉन्स दी लियोन, ये जो कि मैक्सिकन मॉडल थी, मिस मैक्सिकन थी, तो उनको इस बार मिस वर्ल्ड 2018 का ये क्राउन मिला है, ठीक है। मनुषी चिल्लर जो भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड थी, उन्होंने इनको ये अवार्ड जो है ये क्राउन पहनाया, ठीक है। तो नाम है किस कंट्री से ये पूछ सकते हैं, तो मैक्सिकन, नाम क्या है, वेनिसा पॉन्स दी लियोन, दी लियोन हो सकता है वो आपको दे दें या कभी कभी इतना ही नाम दे सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेंगे, वेनिसा पॉन्स दी लियोन 2018 की मिस वर्ल्ड बनी है, कौन सी कंट्री से, मैक्सिकन। आगे बढ़ते हैं। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस हफ्ते का, ठीक है। अब देखो, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है आर्मी के ऑफिसर्स को जो मार्टियर्स हुई हैं उनको याद करने के लिए, और पूरी आर्मी को एक तरीके से जो है सेलिब्रेशन के तौर पर आर्मी का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है देश के लिए, तो उस सब चीज़ों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है आर्मी की का आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, तो वेस्ट बंगाल में हुई थी कॉप इंडिया नाम की, कॉप इंडिया, इंडिया US एयर फोर्स की है। दो तीन चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं जब भी एक्सरसाइज होती, कहाँ हुई, किस तरह की एक्सरसाइज है, ठीक है ना, और नाम। तो देखो, इंडिया US एयर फोर्स के बीच में एक्सरसाइज, ये मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज नहीं है, एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, नाम है कॉप इंडिया, और ये हुई वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस बार इंडिया का एक इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड होता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे मनाया गया, तो इस बार ये मनाया गया गोवा में। कहाँ मनाया गया, गोवा में इसको मनाया गया, ठीक है। और हमने बताया भी था कि यूक्रेन की मूवी थी, ठीक है, उसको जो है इस बार अवार्ड इसमें दिया गया था, ठीक है। और जो सलीम खान थे उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड दिया गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये याद भी रखें कौन सा था, तो 49th है ये जो था, ये 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था,
तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था, इसमें दो क्वेश्चन से कन्फ्यूज़न हो सकती थी। देखो अगर पूछता है कि पहला स्टेट कौन सा बना, ठीक है, तो आपको हिमाचल प्रदेश लगा देना। अगर पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन से बना, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो ये दो स्टेट हैं जिन्होंने सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया है, यानी कि अब आपको सिर्फ 112 डायल करने की ज़रूरत है किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो फायर की सिचुएशन में हो या कोई भी हो। तो जो USA में 911 करके चलता उसी पर बेस्ड पर अब कुछ स्टेट्स जो है इसको लागू कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था, और नॉर्थ ईस्ट का पूछे तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। ये देखो G20 समिट में दो तीन घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बार तो पता ही है कि G20 समिट ब्यूनो आयर्स में हुई, अर्जेंटीना में, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि 2019 वाली यानी कि नेक्स्ट ईयर वाली जापान की ओसाका में होगी, ठीक है, और 2022 में, अब चूंकि इंडिया में हो रही है तो ये सीधे पूछ सकते हैं कि 2022 की समिट जो हो रही है वो G20 की कहाँ पे होगी। तो ये तो पक्का से याद करना है कि हाँ ये इंडिया में होगी, ठीक है ना। इससे पहली वाली जो हुई थी वो हुई थी जर्मनी में, तो यही है कि इस बार जो है ब्यूनो आयर्स में हुई, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना। अगले बात करते हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, पहले थे OP रावत, रिप्लेस कर दिया है सुनील अरोरा, ठीक है ना। सुनील अरोरा याद रखेंगे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इस हफ्ते की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद करने के लिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गया है, तो बन गए हैं सुनील अरोरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल को किसने उद्घाटन किया था, तो हमारे, ठीक है, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ये फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। और किसने उद्घाटन किया, तो राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह कौन है, हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, 1963। आगे बढ़ते हैं। देखो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इस बार थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़्यादातर अब थीम पूछी जाती हैं, तो इस बार इसकी थीम थी नो योर स्टेटस। एड्स डे की थीम क्या थी, नो योर स्टेटस, नो योर स्टेटस, आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। एड्स डे की थीम क्या थी। आगे बढ़ते हैं। आप देखो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, ये जो है भारत के रिपब्लिक डे 26 जनवरी पर जो कि 70th वाला होगा, उसमें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है ना। चीफ गेस्ट कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सिरिल रामाफोसा। 69th वाले में कौन थे, तो एशियान के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो 10 कंट्री एशियान में है, तो हो सकता है पिछला वाला पूछते हैं तो 69 में पूछेंगे तो आपको एशियान लगाना है, और 17th में पूछेंगे तो आपको लगा देना है सिरिल रामाफोसा, ठीक है, बात क्लियर होगी। आगे बात करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज पिछली बार बताई थी, वो थी कोप इंडिया वाली जो वेस्ट बंगाल में हुई थी, ये जापान के साथ में शिन्यू मैत्री, नाम से भी जान सकते हो, शिन्यू, शिन्यू जापानी नाम लग रहा है, ठीक है ना। अब ये वाली एक्सरसाइज आगरा में हुई, तो प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी ये बायलेटरल एक्सरसाइज है शिन्यू मैत्री, ठीक है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जापान नहीं, मिलिट्री नहीं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज ये भी है। कोप इंडिया भी एयरफोर्स की थी, जो इंडिया और US एयरफोर्स के बीच में हुई थी, और शिन्यू मैत्री भी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया जापान के बीच में हुई, कहाँ पे हुई, आगरा में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से। देखो इंडिया ने अभी हाल ही में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करवाया है दूसरी प्लेस से, तो प्लेस इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो फ्रेंच गुयाना जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां से इंडिया ने अपना सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद सोचो, आपने आप से क्वेश्चन बनाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो GSAT-11 नाम था, इसका एक निक नेम भी है, इसको कहते थे शायद ब्लू बर्ड, नहीं बिग बर्ड है, बिग बर्ड नाम है इसका। तो ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च कराया, तो पूछ सकते हैं इंडिया के हैवेस्ट कमिश्नर नाम क्या है, तो GSAT-11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट दिसंबर के डेज हैं। जो 7th वाला था 7 दिसंबर, उसमें था आर्मी फ्लैग डे, ठीक है ना, और जो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है, इसकी भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पोल्यूशन, ठीक है ना, हमको सॉल्यूशन बनना है सॉइल पोल्यूशन के लिए, जो मृदा प्रदूषण होता है उसका सॉल्यूशन बनना है, ठीक है। ये थी इस साल की थीम, जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज, अब इसका मतलब क्या होता है, ये रेल रोड ब्रिज है, यानी कि इसमें रेलवे ट्रैक भी होगा और साथ में ये रोड पर भी गया हुआ है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बोगी बील ब्रिज, ठीक है, बोगी बील ब्रिज इसका नाम है, ये नाम याद रखेंगे। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इनॉग्रेट कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, भागों को जोड़ता है,
और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज हो जाएगा, ठीक है ना? नाम याद रखेंगे, बोगी बील ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो ऑर्फेन ट्रैफिकिंग होती है, जो गलत यूज़ किया जाता है ऑर्फेंस का अपने पैसा कमाने के लिए, बाहर से जो पैसा आता है उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में पहली कंट्री बन गया है जिसने ऑर्फेन ट्रैफिकिंग को स्लेवरी के अंदर डाल दिया है, दास्ता में डाल दिया है, यानी कि जो कैटेगरी होगी अब ऑर्फेन ट्रैफिकिंग की उसको स्लेवरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो ये कौन कंट्री सबसे पहले बन गई है, ये बन गई है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस हफ्ते में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही हम लोग हफ्ते में हर दिन जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी वो पढ़ेंगे और उसके बाद में वीकली इसका रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपको इसका वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं कल, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबरें होंगी 10 कम से कम उसको लेकर के कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।